हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टू लर्निंग एनिमेशन चैनल में। आज मैं चार तरीकों से बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी बर्ड का फ्लाइंग एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। आज मैं इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी बर्ड का फ्लाइंग एनिमेशन आसान तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बर्ड को फ्लाई कराने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ चार तरीके बताऊंगा और उन चार में से तीन ऐसे तरीके हैं जो बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन जो चौथा है वो स्किल पर बेस है। तो अब मैं वो चार तरीके बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस बर्ड को कॉपी करके अलग ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे इसे ही फ्लाइंग एनिमेशन देना है। इसे मैं कॉपी करके न्यू सीन पर ले जाता हूँ और वहां पर पेस्ट कर दूंगा। अब इसकी जो बॉडी होगी उसमें थोड़े से चेंजेस करूंगा। जब कोई बर्ड फ्लाई होती है तो उसकी जो बॉडी है वो स्काई में फ्लैट होती है, वैसे ही मैं इसकी बॉडी को बनाऊंगा। तो इसके लिए मुझे इसके अंदर सभी चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी कि जो भी मैंने इसमें एनिमेशन किया था वो सब हटाना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और जो भी इसके एनिमेशन होंगे वो मैं सारे हटा दूंगा। यहाँ से सभी की को रिमूव कर देता हूँ और क्लासिक ट्विन हटा देते हैं। इसके जो फ्रेम है अभी मैं 20 तक ही रखूंगा। इसकी आई बॉल भी मैं सेट कर देता हूँ, लेकिन जो इसकी आई बॉल है उसको तो सामने सेट करूंगा, क्योंकि जब फ्लाई करेगी तो सामने ही देखेगी। यहां से जो आई के एक्सप्रेशन थे वो भी मैं हटा देता हूं। अब बाहर जाकर इसकी बॉडी जैसे कोई बर्ड फ्लाई करती है वैसे ही बनाएंगे। इसके सिर को मैं नीचे कर दूंगा। इसकी जो शैडो है पहले वो हटा देते हैं, क्योंकि जब उड़ते हैं तो शैडो होती ही नहीं है। इसके जो लेग है उसको मैं पीछे की तरफ ऐसे कर देता हूँ, दोनों लेग्स को मैं पीछे की तरफ ऐसे कर दूंगा। यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसको अंदर कर देते हैं। इस फिन के अंदर हम वो फ्लाइंग एनिमेशन वाले फिन्स ऐड करेंगे। तो मैं इसकी जो बॉडी है पहले तो उसको पूरा सीधा कर देता हूँ इस तरीके से। इसके फेस को वापस वैसा ही सीधा कर देता हूँ और इसके फेस को आगे लगा देंगे। मैं इसके फेस को यहाँ लगा देता हूँ। इसकी पूंछ को भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इसके जो येलो फिन हटाऊंगा तो इसकी पूंछ कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। मैं इसकी पूंछ को अच्छे से ऐसे सेट कर देता हूँ और इसका जो हेड है वो ऐसे ही रख देता हूँ। इसके फिन्स को भी यहाँ पर ही लगाते हैं। अब इसकी जो माला है, देखिए जो पार्ट लटकने वाले होते हैं उनको हमें सीधा ही कर देना चाहिए। वैसे मैं इसको नहीं कर रहा, बस हल्का सा कर देता हूं इस तरीके से और इसको मैं इधर रख देता हूं। अब ये देखिए जो मैं इसके अंदर फ्लाइंग एनिमेशन बना रहा हूं, इस फिन के अंदर मैं तीन तरीके से फ्लाइंग एनिमेशन ऐड करूंगा। तो मैं इस फिन को ऐसे ही रहने देता हूं और इसके अंदर जाकर ही जितनी भी फ्लाइंग एनिमेशन की ड्राइंग्स होंगी वो मैं क्रिएट करूंगा। इससे पहले आप देखिए जो हम बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी बर्ड को फ्लाई कर सकते हैं उसको क्रिएट कैसे किया जाता है। मैं यहां पर न्यू सीन लेता हूं। और इधर मैं फ्रीपिक से कुछ डाउनलोड किए गए बर्ड के एनिमेशन लूंगा। यहां पर ये सभी पार्ट्स बने हैं, जितने भी इसकी लूपिंग होती है सभी यहां पर बने हुए हैं। तो मैं सभी को यहां से वहां पर ड्रैग करके ले जाऊंगा एनिमेट सीसी में। ये देखिए ये दोनों चीजें हैं, यानी कि जो रेड वाला पैरट है और एक येलो वाला पैरट, ये दोनों एक ही हैं, बस इसमें कलर चेंजेस का फर्क है। तो मैं सिर्फ रेड वाले को ही ले जाता हूं। तो यहां से सेलेक्ट करके सीधा ड्रैग करके वहां पर ले जाना है और यहां पर छोड़ देना है। अब इसको मैं, अब ये देखिए सभी ग्रुप्स हैं तो इनको फ्रेम बाय फ्रेम सेट करने में बहुत आसानी होगी। तो मैं सभी को पहले तो अलाइन कर देता हूं ताकि ये सब एक साथ हो जाएं। तो अलाइन करने के लिए हम जाएंगे यहां पर अलाइन पर। यहां पे जो अलाइन का पैनल है इसे देख लेते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हम इसको कैसे कैसे रख सकते हैं। यहां पे आप जो पहला बॉक्स दिख रहे हैं इसके अंदर दो बॉक्सेस हैं जो एक के ऊपर एक हैं, जो कि लेफ्ट साइड एक साथ एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि एक ही लाइन के अंदर है। लेकिन मैं इनको बीच में लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ दो ही स्टेप्स को यूज करूंगा। अभी आप ये देखिए जैसा मैं अभी कर रहा हूँ वैसे ही आप इधर फॉलो करिए। जो इसकी ट्यूटोरियल क्लास है वो आपको बिगिनर ट्यूटोरियल में मिलेगी। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ दो ही स्टेप्स का यूज करता हूँ, एक ये बीच वाला
और 11 बीच वाला, दोनों के बीच वाले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये यहाँ पर एक साथ हो जाएंगे। यहाँ पर अब भी फर्क है कि ये काफ़ी ऊपर है और ये काफ़ी नीचे है। यहाँ पे जो इनर शेप ली है वो बॉक्सेस के लिए है, जो यहाँ पर जो ग्रीन रंग का या जो ब्लू रंग का बॉक्स बना है उसी को ही अलाइन किया है। अब मैं यहाँ पर इन सबको सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू सिंबल कर देता हूँ और इसका नाम रेड पैरट रख देता हूँ। अब देखिए इसको मैंने ग्राफिक कन्वर्ट किया है और मैं इसके अंदर जाऊँगा। इसके अंदर जाते ही ये सब हमें एक एक करके सेलेक्ट होने को मिल जाते हैं। अब इन सबको अलग अलग कीज पर डिवाइड करेंगे। सिंपली मुझे इन सबको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और डिस्ट्रीब्यूट टू की फ्रेम्स कर देना है, तो ये सब अलग अलग कीज पर डिवाइड हो जाएंगे। अब आप इसका फ्लाई एनिमेशन देखिए। यहाँ पे आप फ्लाई एनिमेशन देखते हैं तो ये काफ़ी फास्ट तरीके से प्ले हो रहा है। इसको लूपिंग में देखना है तो यहाँ पे कंट्रोल पे जाते हैं और कंट्रोल में नीचे आकर यहाँ पे लूप प्लेबैक लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब एंटर प्रेस करते हैं तो ये इस तरीके से लूप होता रहेगा लेकिन काफ़ी फास्ट तरीके से। तो मैं इसका जो स्पेस है यानी जो इसकी फ्रेम्स है वो मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे सभी फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे एक एरो आएगा। अब एरो का मतलब है कि मैं इसको पीछे भी ले जा सकता हूँ और आगे भी, लेकिन मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ और सभी को बराबर बराबर बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं इसको दुगना बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 लिखा है। अब मैं इसको आगे ले जाऊँगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई 2, यानी कि दुगना बड़ा हो गया, तो मुझे इतना ही करना है तो मैं इधर छोड़ देता हूँ। अब ये सभी एक एक फ्रेम भर चुकी हैं। अब इसको प्ले करके देखते हैं। इसकी जो फ्लाइंग एनिमेशन है और जो रियल पैरट की फ्लाइंग एनिमेशन होती है उसमें काफ़ी डिफरेंट है। इस कैरेक्टर की जो फ्लाइंग एनिमेशन है उसमें गड़बड़ है तो इसको ठीक करना होगा। यहाँ पे ये, अब हम इसको अपने आप से सेट करते हैं तो एक फ्रेम आगे जाते हैं, यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट फ्रेम पे जाते हैं, ये काफ़ी ऊपर है तो मैं इसको शिफ्ट के साथ नीचे कर देता हूँ। अब पीछे जाके देखते हैं तो यहाँ पर भी ठीक है, और आगे जाते हैं तो यहाँ पे ये आगे हैं तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ। अब नेक्स्ट फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पर भी ये आगे है। अब यहां से ये नीचे की तरफ जाएगा। ओके, ये आगे चला गया है। इसको वापस कंट्रोल जेड करते हैं नॉर्मल करने के लिए। अब इसको शिफ्ट के साथ नीचे करेंगे। अब यहां पे फिर से प्ले करके देखते हैं तो अब इसका जो एनिमेशन है थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जो इसकी पूंछ है वो स्ट्रेट है तो इसकी जो पूंछ को हमें थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। पहले तो आप ये देखिए, मैंने इसको सिर्फ सिंपल तरीके से इलस्ट्रेटर से जो लूपिंग फाइल थी यानी कि जिसके जो इसके स्टेप बाय स्टेप सभी फ्लाई एनिमेशन बने थे, बस उन्हीं को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे लाया और उनको सिंबल करके अलग अलग कीज पर डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से ये लगता है कि ये फ्लाई हो रहा है। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी फ्लाई बर्ड का एनिमेशन क्रिएट करने में। इसको और भी इम्प्रूव करना है तो इसकी टेल को भी हम इसके साथ फ्लाई करेंगे, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, हर एक फ्रेम पर इसको ब्रेक कर लेंगे। मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं और इसकी पूंछ को भी। अब ये देखिए, ये जो बर्ड है अभी ऊपर की तरफ उड़ती जाएगी तो इसकी पूंछ भी नीचे की तरफ होनी चाहिए इस तरीके से। अब ये और ऊपर जाएगी, यहां पर भी मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं और इधर भी इसकी पूंछ को नीचे की तरफ करेंगे। फिर नेक्स्ट की पर जाते हैं, इधर भी इसको ब्रेक कर लेंगे। यहां पे ये पार्ट अलग होगा तो हम इसे जोड़ देंगे। अब यहां पे ये इसकी पूंछ नीचे गई, अब ये नीचे जाएगा तो अब हम इसको फिर से ब्रेक कर लेते हैं और इसकी पूंछ को भी ऊपर की तरफ कर देंगे। यहां पे भी ब्रेक करके इसकी पूंछ को भी ऊपर कर देते हैं। तो अब इसकी जो फ्लाई एनिमेशन है थोड़ी सी स्मूथ फील दे रही है। मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। अब इसको मैं, अभी देखिए मैंने एक फ्लाई का एनिमेशन बना लिया है, अगर मुझे इसको ग्रुप में बनाना है यानी कि बहुत सारे पैरट्स एक साथ उड़ रहे हो तो ऐसे बनाने के लिए मैं इसको कॉपी करूंगा। तो मैं ऑल्ट के साथ इसको सिलेक्ट करता हूं और ड्रैग करता हूं तो इसकी एक कॉपी बन जाता है।
फिर मैं और कॉपी लेता हूँ, यहाँ पर ओल्ड के साथ मैं ऐसे ही रख देता हूँ, मैं अभी सिर्फ 5 ही रख देता हूँ और इसको इधर उधर सेट कर दूंगा। अब इन सबको भी हम सिंबल कर देते हैं। अब देखिए इसको मैंने ग्राफी में सिंबल किया है तो इसकी लूपिंग हमें दिखेगी। तो मैं यहाँ पर एक फ्रेम बढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पर बढ़ाता हूँ 85 तक और इसको प्ले करके देखता हूँ। तो यहाँ पे ये प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि अंदर इसकी फ्रेम सिर्फ फर्स्ट पर है। अगर मैं इसकी फ्रेम्स को आगे बढ़ाऊंगा, जितना हमने इसके अंदर एनिमेशन किया है, मैं इसके अंदर जाके देखता हूँ तो इसका जो एनिमेशन है वो 16 तक है। तो मैं बाहर भी 16 तक इसकी जो फ्रेम है वो बढ़ा दूंगा। अब फिर इनको फ्लाई करके देखते हैं तो ये इस तरीके से फ्लाई होंगे, लेकिन ये एक साथ एक ही तरीके से फ्लाई हो रहे हैं। तो मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देता हूँ, राइट क्लिक करेंगे और नीचे आकर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देंगे। अब ये सब अलग अलग लेयर्स पर डिवाइड हो चुके हैं। अब इनकी जो ड्यूरेशन है, यानी कि जो इनकी फ्रेम ड्यूरेशन है, वो मैं चेंज करूंगा ताकि ये अलग अलग तरीके से फ्लाई एनिमेशन करें। मैं पहले इसको फर्स्ट पे ही रखता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ, इसको मैं 12 पे रखता हूँ, इसको मैं 16 पर रख देता हूँ, इसको 8 पे या फिर 4 पर मैं इसे रख देता हूँ। अब इसको प्ले करके देखते हैं तो ये अलग अलग तरीके से फ्लाई हो रहे हैं। अब ये देखिए इसकी जो फ्रेम है मैंने 16 तक करी है। अब जब बर्ड फ्लाई होते हैं तो कुछ बर्ड पीछे जाते हैं और कुछ बर्ड आगे जाते हैं। तो मैं इन सबको क्या करता हूँ, इनकी फ्रेम को मैं सभी फ्रेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर F5 प्रेस करता हूँ। इससे क्या हुआ कि जितनी इसकी फ्लाई एनिमेशन के अंदर फ्रेम्स हैं उतनी ही यहाँ पर प्ले होगी, मतलब कि जितनी हम उसकी दुगनी करेंगे तो उतनी वो स्मूथली तरीके से फ्लाई होगी। हम बाहर जाके इसको फ्लाई करेंगे तो ये अटकेगी नहीं, यानी कि अटक अटक के प्ले नहीं होगी। तो मैं इसको 80 फ्रेम तक ही रखता हूँ और यहाँ पर सब पे की लगा देंगे। मैंने सभी फ्रेम्स पर की लगा दी है। अब मैं इनको आगे पीछे करूँगा, इसको मैं आगे करता हूँ, इसको भी आगे करता हूँ, इसको पीछे करता हूँ और इसको ऊपर करता हूँ। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब इन सब पर क्लासिक ट्री लगा देते हैं तो ये आगे पीछे इस तरीके से उड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये लूपिंग पर, यहाँ पर ये सब अलग है और यहाँ पर भी अलग है। तो मैं इन सभी कीज को, अगर आपको स्मूथली करना है तो मैं यहाँ पर इन सभी कीज को सेलेक्ट करके 160 पर रख देता हूँ, क्योंकि ये फ्रेम्स 80 तक है तो 80 80 160 होता है। तो मैं यहाँ पर 160 तक रख देता हूँ और इन सब पर रिमूव क्लासिक ट्री लगा देता हूँ और फिर इन सब पे क्लासिक ट्री लगा देंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये अभी अटकेंगे नहीं, उसी लूपिंग में चलते रहेंगे। अब इसके बाहर जाते हैं और प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से प्ले हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर दूसरी ओर बर्ड लेकर आता हूँ, इसको मैं साइड कर देता हूँ और ये येलो पैरेट है वही सेम है जैसे हमने इसको किया है, वही हम इसको भी करेंगे। अब यहाँ पर मैं इस बर्ड को लेकर आता हूँ, इसमें भी वही एनिमेशन क्रिएट हुआ है जो कि लूपिंग वाइज लूपिंग क्रिएट होता है। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करके एनिमेट सीसी में यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा, यहाँ पर ओके कर देते हैं और इसका साइज अभी छोटा है तो इसको बड़ा कर देंगे। और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू सिंबल कर देते हैं, इसका नाम हम बर्ड रख देते हैं। अब अंदर जाकर इन सब को अलाइन कर देंगे तो ये सब अलाइन हो चुके हैं। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट टू की फ्रेम कर देते हैं तो ये सब अलग अलग कीज पर डिवाइड हो चुके हैं। अभी आप देखिए ये जो बर्ड है वो उल्टी फ्लाई हो रही है तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं, सभी की को राइट क्लिक करेंगे और रिवर्स फ्रेम कर देंगे तो यहाँ पर अब ये सीधी तरीके से फ्लाई होगी। अब इसकी जो फ्रेम है हम इसकी भी फ्रेम्स को बढ़ाएंगे, मैं आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 लिखा है, मतलब कि ये दुगनी बढ़ गई है और अच्छे से सभी फ्रेम्स एक एक करके बढ़ चुकी हैं। तो इस तरीके से प्ले होगा। मैं फर्स्ट और लास्ट की पर जाता हूँ तो ये दोनों सेम है तो मैं लास्ट वाली की को रिमूव कर देता हूँ तो अब ये इस तरीके से फ्लाई होगी। जो इसकी टेल है इसको भी आप अगर स्मूथली तरीके से इसको फ्लाई कराना देखना चाहते हैं तो इसकी भी टेल में एनिमेशन करना होगा। मैं इसकी टेल को ब्रेक करके सिर्फ टेल को ही सेलेक्ट करके यहां पर मैं इसको नीचे करूंगा क्योंकि अब ये ऊपर की तरफ उड़ेगी तो टेल भी नीचे की तरफ जाएगी।
मैं ऐसी सारी ब्रेक कर लूंगा, आप भी इसे ब्रेक कर लेना। मैं इसे इतना ही छोड़ता हूं और इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होगी। इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इस पैरट की ग्रुप बनाई थी, वैसे हम इसको भी ग्रुप में रखेंगे। तो सभी को ऑल्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं इसके जो ग्रुप है वो 4 में ही रख देता हूं और सबको सेलेक्ट करके सिंबल क्रिएट कर देंगे। अब इसके अंदर जाते हैं और इनको डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं। इसकी जो फ्रेम है वो हम उतनी रखेंगे जितने इसके अंदर एनिमेशन हुआ है। तो मैं इसके अंदर जाता हूं, तो इसका जो एनिमेशन है वो 18 तक है, तो मैं यहां पर 18 तक की फ्रेम रखूंगा। अब इनकी जो ड्यूरेशन है वो भी मैं बढ़ा देता हूं, आगे पीछे इनको कर देता हूं। यहां पर 2 बर्ड हैं, तो इनमें से एक को डिलीट कर देते हैं, यहां से इसकी लेयर को भी हटा देते हैं और इन सब की ड्यूरेशन अच्छे से सेट कर देंगे। अब इसकी भी फ्रेम हम सभी को सिलेक्ट करके F5 प्रेस करेंगे। मैं इसकी फ्रेम यहां तक रखता हूं 72 तक, और इनको भी आगे पीछे कर देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके आगे कर देता हूं, इसको भी आगे और इसको नीचे और इसको ऊपर और इसको नीचे। अब सब पे क्लासिक ट्वीन लगा देंगे, तो ये भी कुछ इस तरीके से फ्लाई होगी। इसकी याली की भी हम सेलेक्ट करके यहां पर रख देते हैं। यहां पे 72 था, 72 144, तो मैं यहां पर 144 पर रख देता हूं। फिर क्लासिक ट्वीन लगा देंगे। अब बाहर जाते हैं, तो आप देखिए मैंने दोनों के फ्लाई एनिमेशन क्रिएट कर लिए हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हुए हैं, इसे आप भी सिंपल तरीके से इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये जो तरीका है ये पहला तरीका है। जो सेकंड तरीका आता है वो ट्रेसिंग का तरीका होता है। हम क्या करते हैं कि उसमें एक गिफ को लेकर आते हैं जो किसी भी बर्ड एनिमेशन का गिफ होता है। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे फ्लाइंग बर्ड गिफ सर्च करना है। तो आपको बहुत सारे इस तरीके से फ्लाइंग एनिमेशन यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पे सभी बर्ड्स के फ्लाइंग गिफ्स हैं, तो आपको जो सही लगे वही आपको डाउनलोड कर लेना है। लेकिन यहाँ पे जो स्मूथली जो एनिमेशन है, जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है यहाँ पे जो स्मूथली जिसका फ्लाइंग एनिमेशन हो रखा है, इनमें से कुछ ही बर्ड का हो रखा है। जैसे कि ये वाली जो बर्ड है इसकी आप फ्लाइंग एनिमेशन देखिए, काफी स्मूथली ये फ्लाइंग कर रही है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं एनिमेट सीसी में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लेयर क्रिएट करता हूँ। अब फिर वहां से जिसको मैंने डाउनलोड किया है उसको यहाँ पर ड्रैग करके लाता हूँ। तो आप यहाँ देखिए ये जो गिफ्ट बर्ड है इन सबको मैं हाइड कर देता हूँ। तो आप देखिए ये जो गिफ्ट बर्ड है वो यहाँ पर आ चुकी है और इन सब की कीस यहाँ पर लग चुकी है, जो भी इस बर्ड की फ्लाइंग एनिमेशन गिफ है। लेकिन ये जो इसका साइज है वो काफी छोटा है, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके बड़ा करता हूँ ताकि मुझे वहां पर ले जाना पड़े। तो मैं इसको कॉपी करके वहां पे ले जा सकता हूँ, लेकिन जब मैं इसको बड़ा करता हूँ और नेक्स्ट की पर जाता हूँ तो ये वाली जो की है इस वाली पे जो एनिमेशन हो रखा है वो छोटा दिखता है, क्योंकि हर एक की पर इसका अलग एनिमेशन है। यहाँ पर इस वाली की पर इसका जो एनिमेशन है वो फ्लाइंग में जो इसका हैंड है वो ऊपर की तरफ है, और फिर नेक्स्ट की पर इसका हैंड जो इसका फिन है वो नीचे की तरफ है, और इसकी नेक्स्ट की पर इसका जो फिन है वो नीचे की तरफ है। तो अगर मैं इसको यहाँ से वहाँ ले जाऊँगा तो मैं नहीं ले जा सकता, इसको एक एक करके ले जाऊँगा तो उसमें काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इसमें मुझे करना क्या है, सिंपली यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करना है। मैं एक बॉक्स को यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और इसे सिंबल क्रिएट कर देता हूँ। F8 प्रेस करेंगे और इसका नाम दे देते हैं बर्ड गिफ्ट। ओके, इसे ग्राफिक में ही रखना है। अब इसके अंदर जाते हैं और फिर इसको सेलेक्ट करके एनिमेट में ले जाकर यहाँ पर छोड़ देंगे। इसे मैं रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने सिंबल में इसको अंदर डाला था, तो अब ये सिंबल में ही रहेगी। अब मैं बाहर जाता हूँ, इससे पहले जो मैंने बॉक्स को क्रिएट किया था उसको मैं हटा देता हूँ। अब बाहर जाते हैं, तो आप यहाँ देखिए इसको मैं कहीं पर भी उठा के ले जा सकता हूँ। इसको मैं पहले अलग लेयर पर रख देता हूँ, इस वाली को हाइड कर देते हैं इस वाली को, और फिर इसको प्ले करके देखते हैं। मैं इसको यहाँ पे उठा के रखूँगा तो ये यहाँ पर भी प्ले होगी, मैं इसको यहाँ रखूँगा तो ये यहाँ पर भी प्ले होगी। तो अब इससे क्या होगा, मैं इसको ट्रेसिंग करके जो इसके फिन है उसको ट्रेस करके जिस बर्ड के अंदर फ्लाइंग एनिमेशन क्रिएट करना है वहाँ पर लगा दूंगा।
तो इसके लिए मैंने इसको एक सिंबल क्रिएट करके उस गिफ्ट को इसके अंदर डाला है। ओके, तो आपको करना ही क्या है कि एक बॉक्स क्रिएट करना है, उसको सिंबल क्रिएट करना है, फिर उसी के अंदर आपको एक किसी का भी गिफ्ट डालना है, चाहे वो वॉकिंग का हो चाहे वो फ्लाइंग का हो, जिससे आप इजीली उसको इधर उधर मूव कर सके और कहीं पर भी कॉपी करके ले जा सके। इसके पॉइंट को सेट करके अब इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ले जाऊँगा। अब यहाँ पर इसका जो फ्लाई एनिमेशन है वो क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर एक लेयर को क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर छोड़ देता हूँ। अब इसका जो साइज है वो बड़ा कर लेते हैं और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। अब इसकी लेयर को मैं नीचे रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर जाते हैं, इसकी फ्रेम्स को देखते हैं, यानी कि जो इसकी कीस हैं कहाँ कहाँ पर लगी है। तो इसकी की 4 पे लगी है, फिर 7 पे लगी है, फिर 10 पे लगी है। तो ऐसे ही हम बाहर भी लगाएंगे, पहले 4 पे लगाएंगे, यहाँ पर 4 पे लगाना है, फिर 7 पे लगाना है और फिर नेक्स्ट की हमें 10 पे लगाना है। ऐसे ही मैं सारी कीज लगा लेता हूँ। इसकी फ्रेम्स भी बढ़ा लेते हैं ताकि और भी कीज लगा सकें। बस मैं इतनी कीस लगाता हूँ क्योंकि उसके अंदर भी इतनी ही कीस हैं। अब इससे लॉक लगा देते हैं। अब नेक्स्ट ले लेते हैं और इस पर इसकी ट्रेसिंग करेंगे। तो मैं जैसे इसकी जो फिन्स हैं वैसी ट्रेसिंग करके इसको यहाँ पे रख दूंगा, जो इसकी फिन है उसके अंदर रख दूंगा। तो मैं इसको जो पेन टूल है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका जो स्टोव का कलर है उसको मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे दिख नहीं रहा है साफ साफ, तो मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ। तो देखिए मैंने एक फिन को बना लिया है, अब मैं इस वाले फिन को भी क्रिएट कर लेता हूं। तो ये देखिए मैंने इन दोनों को जो इसके फिन है उनको ट्रेसिंग करके क्रिएट कर लिया है। अब इसमें मैं कलर को फिल करूंगा जो इस बर्ड का कलर है। तो इसके बर्ड के कलर को पिक कर लेते हैं, यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसे फिल कर देंगे। यहाँ पे ये फिल नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर गैप है, तो इस गैप को हमें फिल करना पड़ेगा यानी कि भरना पड़ेगा। अब इसमें कलर फिल करके देखते हैं, तो इसमें जो कलर है वो फिल हो चुका है। अब इसके स्ट्रोक का कलर है वो भी इसके स्ट्रोक के हिसाब से भर देंगे। और जिसका स्ट्रोक का साइज है वो सेम होना चाहिए जैसे इसका स्ट्रोक का साइज है। तो यहाँ पर इसको ग्रुप कर लेते हैं और इसको इसके पास लाके देखते हैं। तो इसका जो साइज है काफी छोटा है, इसको मैं 2 कर देता हूँ। अब ये बराबर है। अब यहाँ पे करना क्या है हमें, पहले तो इसमें भी कलर फिल कर देते हैं और स्ट्रोक को भी डाल देते हैं। अब इसको भी ग्रुप कर लेंगे और फिर इसे कॉपी करके इसके अंदर ले जाऊंगा, जो ये वाला फिन है इसके अंदर। मैं इसके अंदर जाता हूं, जो इसके अंदर जितना भी मैंने एनिमेशन क्रिएट किया था वो सब डिलीट कर दूंगा और फिर उस फिन को यहां पर कॉपी करके रख दूंगा। यहां पर इसका जो पोजीशन है वो सेट कर लेते हैं, इसका साइज भी छोटा सा और कर लेते हैं। इसका ये वाला जो स्ट्रोक है उसको भी मैं हटा देता हूं ताकि वो ऐसा लगे कि ये इसी के साथ ही जॉइंट है। ओके, फिर ऐसे ही मैं इस वाले फिन को भी कॉपी करके इस वाले के अंदर ले जाता हूँ। इसका भी एनिमेशन या फिर जितने भी इसकी फ्रेम्स है सभी डिलीट कर देते हैं और उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि वो यहाँ से ऐसा लगे कि ये दोनों जुड़े हुए हैं। अब मैं बस इतना ही यहाँ से पीछे चला जाता हूँ और आप देखिए एक तरीके से इसका जो फिन है वो बन के तैयार है। अब ऐसे मैं और भी आगे जितने भी इसके फिन्स हैं सभी को ट्रेस करके बना लेता हूँ। तो इसी लेयर पे ही यहाँ पर एक की लगानी है
इसको डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर इसको फिर से ट्रेस करेंगे, तो मैं पेन टूल लेता हूँ और इसको भी ट्रेस कर लेता हूँ। अब इसको मैंने क्रिएट कर लिया है, अब इसको भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब इन सब में भी कलर फिल कर देते हैं। मैं यही कलर पिक करके इसमें फिल कर दूंगा और इसमें भी जो इसके स्ट्रोक है वो ऑलरेडी सेलेक्ट है, यानी कि उसमें पहले से ही वही कलर है जो हमें चाहिए। अब इनको मैं ग्रुप करके और इसको भी ग्रुप करके, पहले तो मैं इसको कट करके इसके अंदर ले जाता हूँ और यहाँ पर एक की लगाते हैं, इस वाले को डिलीट कर देते हैं और जिसको कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर इसके साइज को बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं और फिर यहाँ से जो स्ट्रोक है ये वाला इसको डिलीट कर देते हैं ताकि ये जुड़ा हुआ लगे। यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ तो आप देखिए इसका जो फिन है, फ्लाई एनिमेशन वाला फिन, वो इस तरीके से हमारे सामने बनकर आ रहा है। अब मैं जो इसका नेस्ट वाला की है जो बनाया था इसको कट कर लेते हैं और इसके अंदर जाकर एक की लगाएंगे, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसका जो साइज है वो देख लेते हैं कहाँ तक होना चाहिए। ओके, तो इसका साइज मैं यहाँ तक रखता हूँ और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, फिर इसको डिलीट कर देंगे। तो आप ये देखिए कुछ इस तरीके से ये फ्लाई हो रहा है। इसकी फ्रेम को हम एक स्टेप छोड़कर आगे की तरफ की लगाकर बनाएंगे ताकि स्मूथली फ्लाई हो। सेव इसमें भी मैं यही कर देता हूँ। अब यहाँ पर प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होकर हमारे सामने आ रहा है। अब ऐसे ही नेस्ट की लगाते हैं और यहाँ पर ये वाले भी ट्रेस कर लेते हैं और इसको ट्रेस करने के बाद इसके अंदर ही ऐसे ही रख देंगे। तो मैं सभी को ट्रेस करके मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। तो आप ये देखिए मैंने सभी फिन्स को ट्रेस करके इसके अंदर डाल दिया है, तो इसका जो फ्लाई एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसके अंदर थोड़ी सी जो एनिमेशन है वो बिगड़ा हुआ है तो मैं इसको सही कर देता हूँ। अब इसकी जो बॉडी है वो फ्लाई के हिसाब से मूव करेंगे, जैसे कि अगर ये उड़कर ऊपर जा रही है तो जो बॉडी है वो भी उड़कर ऊपर जाएगी। तो मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं, और नीचे वाले जो फ्रेम्स हैं जो गिफ है उसको भी मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर हम इसकी की लगाएंगे, हम वहाँ तक की लगाएंगे जितनी इसके अंदर एनिमेशन है। मैं इसके अंदर जाता हूँ तो इसका एनिमेशन 24 फ्रेम्स तक है, तो मैं इसको बाहर जाकर यहाँ पर ही की लगा देता हूँ और एक की लगाता हूँ बीच में 12 पर। अब इसकी बॉडी को ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे क्योंकि इसके जो फिन है वो नीचे की तरफ आ चुके हैं, तो मतलब कि ये ऊपर तक पहुँच गई होगी। अब इन सब पे क्लासिक ट्यून लगा देते हैं और फिर ये अभी ये स्लो में ये फ्लाई हो रही है तो इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। मैं इसको शिफ्ट के साथ ऊपर कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से फ्लाई होगी, लेकिन जो इसके फिन्स हैं वो की बाई की बने हुए हैं और जो इस बर्ड का मूवमेंट है वो क्लासिक ट्यून से बना हुआ है, जिससे जो इसके बर्ड का मूवमेंट स्मूथली फील हो रहा है। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसका जो एनिमेशन है फास्ट करने के लिए इसके अंदर जाते हैं और इसकी की को, यानी कि जो इसको फ्रेम्स हैं उनको छोटा कर लेंगे ताकि इसके फिन्स भी फास्ट मूव हो तो इसकी बॉडी भी फास्ट तरीके से मूव हो। सेम इसमें भी यही करेंगे। अब इसके अंदर जो एनिमेशन है वो 16 फ्रेम तक है तो हम इसको भी 16 फ्रेम तक रखेंगे। इस वाली की को, जो बीच वाली की है, उसको 8 पर ही रखते हैं और इसको हम जो ये वाली की है उसको 16 पर लाएंगे। अब प्ले करके देखते हैं तो ये थोड़ा सा अटक के प्ले हो रही है क्योंकि हमने इसकी की के जो फ्रेम से उसको चेंज किया था, तो हम इसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं जिससे उसकी जो की है वो सेट हो जाए। तो अब ये बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले हो रही है। अब मैं इन सब की कीज को ऑल्ट के साथ आगे तरफ कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर रख देता हूँ, फिर इन सब को भी उठाकर मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पर रख दूंगा। अब ये देखिए जो इसका जो हेड है और उसकी जो आई है वो आप देखिए ये बार बार ब्लिंक हो रही है, तो मैं इसको सभी को सेलेक्ट करके सिंक्रोनाइज कर देता हूँ जिससे सिर्फ ये एक ही बारी ब्लिंक हो। जो इसकी पूंछ है वो भी फ्लाई के साथ मूव होनी चाहिए, जैसे ही बर्ड ऊपर की तरफ जाएगी
तो इसकी पूंछ भी नीचे की तरफ जाएगी। तो मैं इसकी पूंछ को नीचे की तरफ कर देता हूँ। इस वाले फिन को हाइड कर देते हैं, जो इसके लेग्स हैं वो भी नीचे कर देते हैं। ओके, तो अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो इस तरीके से ये प्ले होगा, लेकिन सिर्फ इसी पर ही चेंज गया है, तो सिर्फ यहीं पर ही ये मूव होंगे। तो मैं यहाँ से इन तीनों कीज को उठाकर वहां पर रख देता हूँ, सेलेक्ट करेंगे। मैं इसको या फिर पूरी कीज को भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन मैं सिर्फ इन्हीं को ही सेलेक्ट करके यहाँ पर रख देता हूँ। इसे मैंने ऑल्ट के साथ रखा है ताकि वो उसकी कॉपी हो जाए। अब इसको प्ले करके देखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होगी। इसका जो फेस है उसे भी आप मूव कर सकते हैं, मैं हल्का सा मूव करके दिखाता हूं। तो इस तरीके से मूव होगा, मैं सभी पर ऐसे ही हल्का हल्का मूव कर देता हूं, या फिर इसकी की को भी ऑल्ट के साथ सेलेक्ट करके यहां पर रख देते हैं और फिर सिग्नोराइज कर देते हैं। अब बाहर जाकर इसको प्ले करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होगी। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूं ताकि अगर ये एनिमेट सीसी बंद हो जाए तो इसकी फाइल भी सेव रहे। अब हम इसमें थर्ड तरीके का फ्लाइंग एनिमेशन करते हैं। थर्ड फ्लाइंग एनिमेशन में क्या होता है, मैं इसको साइड रखता हूं और इसको कॉपी करके जो न्यू सीन क्रिएट किया था मैं इसको वहां पर पेस्ट कर दूंगा। इसको मैं यहां पे लाता हूं, जो नीचे वाली जितनी फ्रेम्स हैं उनको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब इसके अंदर मैं तीसरे तरीके को अपनाऊंगा, तो मैं इसके अंदर जाता हूं और जो इसके अंदर कीज हैं सभी को रिमूव कर देता हूं, जिसकी क्लासी ट्यून है उसको भी रिमूव कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम किसी के बनाए हुए फिन्स को इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये अलग अलग फिन्स बने हुए हैं, इसकी जगह पे हम दूसरे के फिन्स को ऐड करेंगे। तो हमने जिन बर्ड्स का ग्रुप बनाया था, यानी कि जिन बर्ड्स को ग्रुप करके एनिमेट किया था, उन्हीं में से किसी का फिन्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं बाहर जाता हूँ और यहाँ पर जो हमने फाइल्स बनाई थी वो डिलीट हो चुकी है, क्योंकि मैंने उसे डिलीट कर दिया है, लेकिन वो यहाँ से लाइब्रेरी से डिलीट नहीं हुई है। तो मैं यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा बर्ड्स, तो ये जो फाइल है वो यहाँ पर है, तो मैं इसको यहाँ पर उठा के रख देता हूँ। अब इसके अंदर जाकर जो इसके फिन्स हैं उनको मैं कॉपी करके वहाँ पर रख दूंगा। तो पहले मैं इसको जो फर्स्ट वाला फिन है दोनों को कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसके अंदर जाकर इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं क्योंकि ये उल्टा है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। ये वाला जो फिन है वो बैक में लगेगा, तो इसको मैं कट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इस वाले को हटा देते हैं और फिर इसके अंदर जाकर उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको भी बड़ा कर देते हैं, फिर इसको यहाँ पर सेट करके नीचे वाले को डिलीट कर देंगे। तो इसका जो फिन है वो कुछ इस तरीके का है, इसे हटा देते हैं। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ तभी ये आपको फर्क दिखेगा। इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ, इसको मैं डार्क कर देता हूं। जो आपको ये दिख रहे हैं ये स्ट्रोक जैसे, ये स्ट्रोक है नहीं, फिर भी मैं इसका जो कलर है वो स्ट्रोक जैसा कर लेता हूं। तो आप ये देखिए इसके जो फिन है उसमें मैंने बस क्या किया, उसमें मुझे ट्रेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस मैंने बाहर से लाया और वहां से कॉपी करके इसमें डाल दिया। पहले से ही बने बनाए फिन्स को मैंने यहां पर डाल दिया, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो येलो जो फिन है वो इसी का ही है। मैं ऐसे ही और भी उठाकर यहाँ से वहां डाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ से उठाता हूँ, अंदर जाता हूँ, जो नेक्स्ट फ्रेम वाला फिन्स है उसको मैं कॉपी करके बाहर जाकर इसी के ही अंदर जाकर जो नेक्स्ट वाले कीज पर जो फिन है वहां पर पेस्ट कर दूंगा। फिर ट्रांसफॉर्म में हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, इसे बड़ा करेंगे, फिर इसे कट कर देते हैं, जो ये वाला फिन है उसको हटा देते हैं, फिर इसके अंदर जाते हैं, इस वाले फिन को भी हटा देते हैं और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इसका जो फिन है, जो एनिमेशन है, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसको हम सभी को ऐसा ही कर देंगे। देखिए, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, जो इसके स्ट्रोक जैसी जो चीज़ें दिख रही हैं ये स्ट्रोक है नहीं, ये एक फिल है। मैं इसका साइज छोटा करना चाहूँ तो इसका साइज मैं छोटा नहीं कर सकता, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ
और प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहाँ पर मुझे किसी भी स्ट्रोक का ऑप्शन नहीं दिखता, यहाँ पर दिखता है तो सिर्फ फिल्स और उसका कलर। तो मतलब कि ये फिल है, साइज छोटा नहीं कर सकता, बस उसको इस तरीके से मैं शेप चेंज कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे इसको अलग से एक स्ट्रोक बनाना पड़ेगा जिसमें काफ़ी मेहनत लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से जो फिल है वो ऐड करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें मेहनत सिर्फ स्ट्रोक बनाने में लगेगी। आप अगर स्ट्रोक के साथ करना चाहते तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप सिर्फ यही चीज़ यूज़ करें। अगर आप परफेक्टली यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि आप परफेक्टली मैच करना चाहते हैं इसकी बॉडी से, तो आप इसके स्ट्रोक को चेंज करने के लिए टाइम दीजिए, आपको इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो ऐसे ही मैं सारे फिल्स को इधर सेट कर लूँगा, जिससे जो एनिमेशन होगा इसके फिल्स से काफ़ी मैच होगा और इससे रिलेटिव लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये जो फिन है वो इसी का ही पार्ट है। कंपेरिजन टू इसके, इससे मैं कंपेरिजन करूँ तो इसका जो फिन है वो नहीं लगता कि इसका फिन है, लेकिन ये जो फिन है वो लगता है कि वो इसी का ही फिन है। तो आप यही उठाकर यहाँ पे रख देना। अगर आपको स्ट्रोक की कोई परवाह नहीं है तो आप स्ट्रोक ऐसे ही बना देना। तो ये जो तरीका होता है वो थर्ड तरीका होता है। अब आता है फोर्थ तरीका। अब फोर्थ तरीके में क्या होता है, उसमें स्केचिंग होती है, उसमें आपको स्केचिंग आनी चाहिए। आप अगर स्केचिंग जानते हैं तो आप अच्छे से स्केच करके एक फिन जैसा एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ से जो स्ट्रोक ब्रश टूल होता है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आता हूँ, तो इस तरीके से मैं कुछ फिन्स ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ऐसे ही कैसे भी फिन्स को ड्रॉ कर सकते हैं और उसको अपने बर्ड एनिमेशन में लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और पांचवा तरीका होता है। पांचवा तरीका बहुत ही बेसिक होता है और वो लोग वही यूज़ करते हैं जिनको एनिमेशन क्रिएट करना नहीं आता। जैसे कि मैं इसके अंदर जाता हूँ और सिर्फ मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं पॉज पर कर देता हूँ, यानी कि सिंगल फ्रेम पर। अब नेक्स्ट की मैं यहाँ पे लगाता हूँ और इसको ऑल्ट के साथ नीचे करूँगा, फिर नेक्स्ट की मैं यहाँ लगाऊंगा, फिर ऑल्ट के साथ इसको भी नीचे कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसे, फिर ऑल्ट के साथ फिर से की लगा कर यहाँ पर ऑल्ट के साथ नीचे कर देते हैं इसको, फिर मैं यहाँ से रोटेट कर दूँगा, फिर यहाँ पर की लगा कर ऑल्ट के साथ नीचे कर देंगे, फिर इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं। इसका जो पॉइंट है वो अब छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर इसको भी इस तरीके से फ्लैट यू कर देंगे। अब इस पर मैं क्लासिट भी लगाता हूँ तो इसका जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये स्लो है तो इसको फास्ट कर देता हूँ, इसकी फ्रेम्स को कम करके, और इस सब को सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख दूंगा और राइट क्लिक करके रिवर्स कर देता हूँ। तो ये जो एनिमेशन है कुछ इस तरीके का, एक बेसिक सा और नॉन एनिमेशन पर्सन के लिए है, जो ट्रेसिंग नहीं करना जानते या फिर नहीं करना चाहते और या फिर किसी और कोई बड़को फिन को लेकर यहाँ पर नहीं डालना चाहते, तो आप इस तरीके का एक सिंपल सा एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ये जो एनिमेशन होता है बहुत ही बेकार सा लगता है, अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें जैसे मैंने बताया है तो आपको बहुत ही आसानी होगी एक अच्छा सा फ्लाइंग एनिमेशन बर्ड क्रिएट करने में। जो ये वाले फिन्स हैं काफ़ी इस बर्ड से रिलेटिव लगे हैं, इसलिए मैंने अपने उस सीन में इसी के फिन को उठाकर वहाँ डाला है और उनके जो स्ट्रोक हैं उनको क्रिएट किया है। उसमें मुझे काफ़ी मेहनत लगी है जिससे जो बर्ड है और उसके फिन है काफ़ी एक जैसे मैच होते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की ट्यूटोरियल रेगुलर लाता रहूं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हौसला मिलता है और भी क्रिएटिविटी दिखाने का और सिखाने का। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई देता हूं। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।